हनी ट्रैप क्वीन के खिलाफ पीड़ित ने खोला मोर्चा। पीड़ित युवक ने बताया कि हनी ट्रैप क्वीन ने उससे अपनी शादी की बात छुपाई और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। पीड़ित युवक की हनी ट्रैप क्वीन ने शादी हो पाती इसके पहले ही पीड़ित के परिजनों को युवती के बारे में जानकारी लग गई। हनी ट्रैप क्वीन ने उससे जब शादी के बारे में पूछा तो युवती सच का सामना करने से घबराने लगी और पीड़ित युवक को धमकी देने लगी। यहाँ कार्यालय पे आए थे, उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि एक तथाकथित महिला द्वारा जबलपुर के विभिन्न थानों में करीब 6 दुष्कर्म के मामले कायम करवाए हैं और उनमें से कुछ मामलों में उनके द्वारा माननीय न्यायालय में समझौता भी कर लिया गया है, जिसके द्वारा अधिवक्तागण द्वारा यह मांग की गई है कि सभी प्रकरणों की सूचना से जाँच करवाई जाए। अतः 6 प्रकरण के, जिसमें घमापुर के, तलवारा के, गोरखपुर के और एक डिंडोरी जिले का भी मामला है और महिला थाना जबलपुर का भी मामला है, सभी की जाँच निष्पक्ष रूप से करवाई जाएगी और उनमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें। हनी ट्रैप क्वीन ने पीड़ित युवक याचिकाकर्ता को दुष्कर्म और अन्य झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगी। हाल ही में जो मामला हमारे सामने आया है, एक महिला द्वारा ऐसे पता नहीं संभ्रांत परिवारों के लड़कों को, बच्चों को फंसाकर उनसे जो पैसे ऐंठने की जो कार्रवाई सामने आई है, बहुत ही विडंबना भरी बात है आज हमारे सामने इस प्रकार की, क्योंकि ये उक्त महिला द्वारा पता नहीं आज हमारे पास साक्ष्य हैं, आज हमने आज स्थल SP महोदय को बताया कि उसने उक्त महिला ने 6-7 से पता नहीं कितने लोगों को पैसे ऐंठे, मतलब, और दूसरा कि उसके ऊपर पहले भी केस लगे हैं और अभी भी केस चल रहे हैं, और हमने मांग की कि उस पर कार्रवाई की जाए और उनको पूरे हमने साक्ष्य दिए और उस घटना से अवगत कराया, क्योंकि इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जो बेचारे नए युवक हैं संभ्रांत परिवार के, वे बेचारे तन मन धन से भी परेशान हैं और उनकी एक सामाजिक छवि धूमिल होती है, इस चक्कर में बड़े वे डिप्रेशन में है वे, इसलिए आज हमने उनको पूरी बातें स्पष्ट बताई कि उस महिला पे कार्रवाई करें और इस प्रकार के जो प्रकरण आ रहे हैं उनकी भी जांच की जाए। नाम बता। धीरज सिंह ठाकुर, एडवोकेट।